हेलो फ्रेंड्स, आज हमको बताने वाले हैं ओपन डायस। रीजनिंग का चैप्टर ये है, खुला पासा को हल करने का आसान विधि। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है ए का विपरीत क्या है। ए का विपरीत हमारा सी है, ए का हो जाएगा हमारा सी। बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत हमारा डी हो जाएगा। बी का विपरीत जो हमारा डी हो जाएगा। अब बचा हमारा ई, ई जो है एफ का विपरीत हो जाएगा। ई जो है सेकेंड देखते हैं, इसमें भी जो फर्स्ट जो हमारा इसके विपरीत हो जाएगा, ये हमारा इसके विपरीत हो जाएगा, फोर्थ के विपरीत हो जाएगा। और फिर थर्ड किसके विपरीत हो जाएगा, फाइव के विपरीत हो, फाइव के विपरीत हो जाएगा। अब बचा सेकेंड जो विपरीत हो जाएगा, सिक्स के विपरीत हो जाएगा। इसको हम इस तरह आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा ए किसके विपरीत है, सी के विपरीत है। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है सी के विपरीत है। और हमारा डी जो है किसके विपरीत है, डी जो है एफ के विपरीत है, डी जो है एफ के विपरीत है। अब हमारा बच्चा है ई, एफ नहीं बी और ई बच्चा है, तो बी किसके विपरीत हो जाएगा, बी जो हमारा है ई के विपरीत हो जाएगा। अब हम फोर्थ देखते हैं, दो जो है किसके विपरीत है, दो है हमारा चार के विपरीत है, दो जो है हमारा है चार के विपरीत है, चार के विपरीत है। और हमारा थ्री जो है किसके विपरीत है, थ्री जो हमारा है सिक्स के विपरीत है, थ्री जो हमारा है सिक्स के विपरीत है। अब हमारा बच्चा ये दो जो है चार के विपरीत है, तीन जो है छः के विपरीत है, एक जो है पाँच के विपरीत है, एक जो है हमारा पाँच के विपरीत है। अब हम फाइव क्वेश्चन देख रहे हैं, एक जो है किसके विपरीत है, सेकेंड के विपरीत है, थर्ड किसके विपरीत है, थर्ड हमारा इसका विपरीत है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये एसएससी सीजन में ये आया है 2013 में एसएससी में। इस डायस को खोलने के बाद कौन सा पासा बनेगा, इसको हम इस इन तीनों में से दो ऐसे पासों को खोजेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ओपन डायस होगा तो वो हमारा सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, पाँच इसमें भी कॉमन है, पाँच इसमें भी कॉमन है, तीन इसमें भी कॉमन है, तीन इसमें, ये दोनों हम नहीं ले सकते, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम इस दोनों पासे में देखते हैं, इनमें देखेंगे हमारा थ्री इसमें भी कॉमन है, थ्री इसमें नहीं कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो जो हमारा कॉमन है उसको हम लिखेंगे और क्लॉक वाइज इसको घुमाएंगे, क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये हमारे इसके बाद क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, तो यहाँ पर फाइव लिखेंगे। फिर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसमें भी ये हमारा थ्री कॉमन था तो थ्री हम पहले लिख लेंगे, फिर इसको भी हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो हमारा फोर होगा, फिर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर हमारा टू हो जाएगा। तो फिर हमारा ये थ्री के विपरीत जो इसमें नहीं रहेगा जो अंक उसको हम लिखेंगे, तो इसमें क्या नहीं है, सिक्स नहीं है, तो ये हमारा थ्री जो है सिक्स के विपरीत हो गया। और फोर फाइव जो है फोर के विपरीत हो गया, और वन जो है टू के विपरीत हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, ये जो हमारा फोर जो है वन का विपरीत है, इसमें क्या दिया है, फोर जो है फाइव के विपरीत है, ये हमारा गलत हो गया। अब फाइव जो है फोर के विपरीत है, फाइव जो है फोर के विपरीत है। अब दूसरा हम चेक करते हैं, थ्री जो किसके विपरीत है, सिक्स के विपरीत है, फिर ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं है। फिर इसमें भी देखते हैं, सिक्स जो किसके विपरीत है, थ्री के विपरीत है, ये तो सही है। फोर जो है किसके विपरीत है, फाइव के विपरीत है, जो इसमें वन के विपरीत है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, फोर जो है हमारा किसका विपरीत है, फोर जो है हमारा है फाइव के विपरीत है, ये सही है, फोर जो हमारा है फाइव के विपरीत है। और वन जो है किसके विपरीत है, दो के विपरीत है, वन जो हमारा है दो के विपरीत है। और थ्री जो है सिक्स के विपरीत है, ये